स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपने थंबनेल पे जो पढ़ा है स्लीप हिप्नोसिस, मतलब ये ऐसी एक सोने की अवस्था जिस वक्त आप अपने बच्चों को प्रोग्राम कर सकते। तो आइए जानते हैं स्लीप हिप्नोसिस क्या होता है और उसके बेनिफिट किस तरीके से हम ले सकते। स्लीप हिप्नोसिस ऐसी एक अवस्था है जिस वक्त हम आधे जगे रहते हैं और आधे सोए हुए रहते हैं। इस अवस्था में अगर आप कोई सजेशन देते हैं वो तो डायरेक्ट वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो सजेशन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो सजेशन उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? अगर आपका बच्चा स्कूल में जाने से डरता है, आपको पता है जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उसे डर लगता है, वो जाता नहीं है, रोता है, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसके निडरता के लिए आप स्लीप हिप्नोसिस से प्रोग्राम कर सकते। बच्चों का स्टडी हैबिट्स, कुछ बच्चों को सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उसमें आप इस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते। उसके साथ नेल बाइटिंग का प्रॉब्लम, नाखून खाना, बेड वेटिंग मतलब बिछाना गिरा करना, स्कूल में वो कंफर्टेबल नहीं है, उसमें कुछ डर है जो उसके वजह से वो स्ट्रेस में रहता है, उस डर को आप इस स्लीप हिप्नोसिस टेक्निक के माध्यम से निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जो हो रहा है मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल गेम का एडिक्शन, तो इसको आप इस स्लीप हिप्नोसिस के टेक्निक के माध्यम से रिमूव कर सकते हो, इस प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हो। तो आइए जानते हैं क्या है स्लीप हिप्नोसिस और किस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका बच्चा सो जाता है और उसे नींद आना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि भी बच्चा सो गया है, तो आपको क्या करना है, उसके जो इंडेक्स फिंगर है मतलब ये जो आपकी पहली उंगली जो है उसको ऐसा टच करना है, मतलब लाइक इस तरह टच करना है आपको, और उसके नाम से उसको बुलाना है, सिंपली मतलब धीरे से उसको आवाज देनी है जो भी उसका नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम हम विकास कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलना है विकास 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 विकास, नॉर्मल नॉर्मल साउंड में। जैसे ही वो कुछ रिस्पॉन्स देता है, कुछ सिग्नल देता है, समझ लीजिएगा अब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। उस वक्त जब आप उसे सजेशन देते हो तो वो पॉजिटिव सजेशन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और ये प्रोसेस आपको 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ दूसरा टेक्निक बताता हूँ। जब आपका बच्चा एकदम गहरी नींद में होता है, गहरी नींद हमारी 2-3 बजे के आसपास होती है, तो उसको जगा दो, और उसको जगा के आपको जो भी उसको सजेशन देना है, मतलब जो आप चेंजेस उसमें चाहते हो, वो पॉजिटिव सिंपल टू द पॉइंट सजेशन देते हो, तो उसके बिहेवियर में आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे। ये प्रोसेस आपको डेली करना है जब तक उसके बिहेवियर में वो चेंजेस ना आए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बच्चे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के नहीं, आप बड़ों के भी माइंड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, स्लीप हिप्नोसिस ये ब्रेन की ऐसी अवस्था है जिसे हम एक थीटा लेवल का ट्रांस कहते हैं। इस वक्त जो भी आप सजेशंस उस सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, सुबह उठने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सजेशन देने होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से उसे बनाना होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपको पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके साथ साथ आप चाहते हो कि आपके परिचित लोगों को, जो आपके अपने हो, उसको भी इस प्रोग्रामिंग के बारे में पता चले, तो उन्हें भी आप शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।